यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इनफेक्टिव हो गई है, वीटो का जो मामला है वो भी जेरे बहस आता रहा, तो भारत ला सकता है कि इसको इफेक्टिव बनाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो भारत का क्लेम कोई बिल्कुल अनजस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान में कौन है जिसने अब हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? The Canadians are very angry, very very angry, and Indians के साथ, Indians ने बड़ी ज्यादती की है वहाँ, using Canadian soil. अगर you see, they were doing it in Canada, they were doing it in America, they were doing it in the UK. लेकिन देखिए सभी देशों ने हमारा समर्थन किया है, क्योंकि हमारी बात, हमारी संवाद प्रक्रिया, हमारी लोकतांत्रिक ढांचा, हमारी पोटेंशियलिटी, हमारी मार्केट, सबने कंपेल किया कि नहीं, भारत के साथ बेहतर रिलेशन बनाया। वो मंच है जो हमारे नेगोशिएशन पावर को, हमारी वास्तविक जो पक्ष है उसे उस मंच पर रखने की एक तरह से अवसर देता है, मौका देता है। अब्दुल वास्तव, आप बताइए कि इसके क्या चांसेस हैं, क्या वाकई इंडिया की जो ये कोशिश है, गिवन द सर्कमस्टांसेस, इसका इसकी कोई गुंजाइश निकलती है इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मिलने की? देखिए, एक पर्सपेक्टिव से तो उनका जो क्लेम है वो बनता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, इकोनॉमिकली भी, मतलब एज कंपेयर टू मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज इट इज डूइंग वेल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो भारत का क्लेम कोई बिल्कुल अनजस्टिफाइड नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इनफेक्टिव हो गई है, वीटो का जो मामला है वो भी जेरे बहस आता रहा, तो भारत क्या ला सकता है कि इसको इफेक्टिव बनाए? तो ये पाकिस्तान में कौन है जिसने अब हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है? थोड़ी सी मैं आपकी मदद कर दूं इस हवाले से, वो कौन है जिसके ऊपर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमले का इल्ज़ाम था? वो कौन था जिसके ऊपर मुंबई की दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था, जब सरदारी हुकूमत ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती थी? सोचने की बात है कि वो कौन सी ताकत है पाकिस्तान के अंदर जिसने अब हिंदुस्तान की हेजेमनी को और हिंदुस्तान की ताकत को एक रिक्वायरमेंट के तौर पर बिल आखिर उन्होंने उसे तस्लीम कर लिया है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। यानी एक सरेंडर वो था जहां जनरल नियाज़ी ने 16 दिसंबर 1971 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था उसके ऊपर सिग्नेचर किए। दूसरा वो सरेंडर था जो 2021 और 2022 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सरेंडर के ऊपर सिग्नेचर किए, जिसके पार्ट एंड पार्सल के तौर पर पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। बिकॉज बेसिकली तो उनको मालूम है ना कि शरीफ ब्रदर्स जो है ये जो नून लीग है, दैट इज फॉर पीस विद इंडिया, फॉर नॉर्मलाइजेशन, और इन्होंने पहले भी कोशिश की और इनकी अब भी कोशिश है, तो दे गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट टू बी नवाज शरीफ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि द ऑलिव ग्रीन टाई कुड हैव बीन अ स्मॉल जेस्चर ऑफ नॉट कंसिलिएशन बट ऑफ सॉफ्टनिंग। ओके, ऑलिव ब्रांच कह सकते हैं। आई थिंक यू आर राइट। बाकी आई अब ऑलिव ब्रांच, जब अब आप समझते हैं कि कनाडा वाली बात जो है वहां कोई टाइया वाइया नहीं मिल रही, मैं आपको बता दूं, द कैनेडियंस आर वेरी एंग्री, वेरी वेरी एंग्री, एंड इंडियंस के साथ, इंडियंस ने बड़ी ज्यादती की है वहां, यूजिंग कैनेडियन सॉइल। अगर यू सी, दे वर डूइंग इट इन कनाडा, दे वर डूइंग इट इन अमेरिका, दे वर डूइंग इट इन द यूके, और ये अजीत डोवल साहब की ये पॉलिसी रही है, और उन्होंने पाकिस्तान में भी ये किया है, रोक दिया था। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब ये जो डायनेमिक अनलीश हो रहा है इसका, और क्या हिंदुस्तान की वो यूनियन गवर्नमेंट हिंदुस्तान की जो हमेशा ये इसरार करती रही कि हम पाकिस्तान में एक जर्नैल कंट्रोल या मिलिट्री कंट्रोल पाकिस्तान जो है उसके साथ हम डील नहीं करेंगे, हमें एक जेन्युइन सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, वो इस जाली हुकूमत के साथ जो एक इलीगल हुकूमत है पाकिस्तान में, शरीफ जरदारी का टोला है, इसके साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा पाएंगे? बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर इसके क्या असरात मरतब होंगे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, जिन्हें इन रीजनल सिचुएशन और डायनामिक्स के 2018-19-20-21 में समझ ही नहीं आई, जिसकी कि उनको कीमत अदा करनी पड़ी, अब वो इन तमाम डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? इस पर इमोशनल रिएक्शन करने का अब कोई मुकाम बचा नहीं है, इसकी कोई स्पेस नहीं है, बिकॉज इस डायनेमिक ने अब इसी डायरेक्शन के ऊपर चलना है। अपनी जरूरतें, अपनी बातें रखने के लिए, आप देखिए यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, हमें सारे देशों के समर्थन की जरूरत है, एससीओ के द्वारा, चाइना जो करेगा आपको पता है। लेकिन देखिए सभी देशों ने हमारा समर्थन किया है, क्योंकि हमारी बात, हमारी संवाद प्रक्रिया,
हमारी लोकतांत्रिक ढांचा, हमारी पोटेंशियलिटी, हमारी मार्केट, सबने कंपेल किया कि नहीं भारत के साथ बेहतर रिलेशन बनाया, ठीक है ना। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भारत के साथ चला गया। चाइना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो प्रभुत्व में है, सबसे एससीओ का जो प्रभावी मेंबर है वो चीन है और रूस है, जो आपने प्रश्न किया। लेकिन भारत अगर वहां नहीं होगा तो भारत के बारे में, भारत को जैसे मैंने वो कहा था कि मेन्यू में होने से अच्छा टेबल पे रहो। अब वार्ताओं में होंगे आप अपनी बात रख पाएंगे, अपनी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त कर पाएंगे। और अपने बड़े साहब, देखिए एस जयशंकर साहब ने क्या कहा, खुले मंच से कहा, माइक भले ही खराब हो, मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं तो किसी देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए, जो एससीओ के चार्टर में है। आप बीआरआई लेकर आ रहे हैं, उस बीआरआई का एक ब्रांच है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो सिपेक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो लगभग 200 किलोमीटर जो है पीओके से होके गुजरता है। पीओके में अगर हमने बीआरआई की मान्यता दे दी तो हमने एक तरह से कश्मीर अपना नहीं माना, पूरा का पूरा कश्मीर है। संसद में प्रस्ताव पारित है हमारे, बड़े खुलेआम शब्दों में हमने मना किया कि अगर हम बीआरआई का विरोध नहीं कर रहे हैं भाई, तुम बढ़ो ना आगे, चाइना से हम कहते हैं, लेकिन भारतीय संप्रभुता का तो सम्मान करो। और बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा, बाकी सारे देश उसमें, देखिए इंडिया के अलावा लगभग सारे देश उसके मेंबर हैं बीआरआई के, तो चाइना के प्रभुत्व को उसी के सामने बैठकर अगर मंच पे कहना है तो इससे अच्छा फोरम क्या हो सकता था। इसीलिए हमें यहां बने रहने की जरूरत है। एक बात और जो मैंने कहा कि इन सारे जो अभी की जियोपॉलिटिक्स फिर से देखिए, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन की टकराहट में जो पश्चिमी शक्तियां वो यूक्रेन की तरफ है, ये सारी जो आप देश देख रहे हो सब रशिया के साथ सिंपैथेटिक रहते हैं। तो यहां पर फिर वही बात है कि ब्लॉक बड़े स्पष्ट है, इसराइल के साथ पश्चिमी गुट है और बाकी जो इधर वाले हैं, केवल एक देश जो ब्रॉडर रियलिज्म की नीति को अपनाते हुए बढ़ता है और कहता है कि भैया हमारी पहले की गुट निरपेक्षता जो थी, नॉन अलाइनमेंट था, हम गुटों से दूरी रखते थे, बराबर दूरी रखते थे, अब हम गुटों में परस्पर नजदीकियां रखेंगे, बराबर की नजदीकियां रखेंगे। और इसीलिए आज कितना अच्छा है कि हम एससीओ के भी मेंबर है और क्वाड के भी मेंबर है। एक तरफ पश्चिमी प्रभुता, चूंकि एससीओ का एक लक्ष्य है कि पारदर्शी और ज्यादा समावेशी अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था को बनाना, तो दुर्भाग्य है कि कौन लोग बना रहे हैं पारदर्शी विश्व, देखो ये भी लोकतांत्रिक कौन बनाने की बात कर रहा है, पुतिन हमेशा बने रहेंगे राष्ट्रपति, सी जिनपिंग ईरान, मतलब एक इत्तफाक जब ये मैनिफेस्टो बनाते हैं तो देखना तो चाहिए कौन कौन से देश है। एक देश जो बात कह सकता है लोकतंत्र की, जो बात कह सकता है समावेशिता की, वो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम इंडिया। इसलिए भी एससीओ को भी जरूरत है, भारत को तो जरूरत है ही बहुआयामी कारणों से। एससीओ भी जानता है कि उसके ऊपर नाटो के खिलाफ या किसी अन्य देश के विरोध का तमगा केवल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें भारत है। तो भारत की पोजीशन बड़ी यूनिक है और हमें अपने जितने हित है ना, ऐसे टेबल पे बैठने का मौका मिला है तो हम अपने हितों की बात करें। चाइना अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है, जो करता रहेगा, पाकिस्तान की बात क्या लें, वो तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन चाइना की जो कंपटीशन है वो दूसरे लेवल का है। याद रखिए हमें यहां पर रशिया ही एक ऐसा दोस्त है, रूस, जिसके साथ हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे में एससीओ वो मंच है जो हमारे नेगोशिएशन पावर को, हमारी वास्तविक जो पक्ष है उसे उस मंच पर रखने की एक तरह से अवसर देता है, मौका देता है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।